के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में टीकाकरण महाअभियान शुरू हो गया है। कल पहले दिन रिकॉर्ड बन गया जब 86,16,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कीर्तिमान से गदगद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो दिसंबर तक सभी को टीकाकरण का लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले, राहुल गांधी की ओर से कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं जिसको लेकर अब विवाद भी गहराता जा रहा है और बीजेपी कांग्रेस इस मुद्दे पर भी एक दूसरे पर हमलावर है। सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान की शुरुआत तो हुई है, लेकिन स्थिति कैसी है, कितना इंतजार करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दिल्ली का ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि पूर्वी दिल्ली में है और यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन है। करीब सुबह 8 बजे से हूँ लाइन पे, अभी तक देखो यहीं पे हूँ, कहीं बढ़ा भी नहीं अभी तक। अभी धक्का मुक्की हो रही थी बाहर, लंबी 1 किलोमीटर के करीब लाइन लग रही थी। इसके बाद देखा जाए ये सारे अपने अपने स्टाफ को अंदर किए जा रहे थे। टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश में 7,00,000 लोगों को टीका लगाया गया। जुलाई तक यूपी सरकार ने 3 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। 21 जून से शुरू हुए महाअभियान के तहत टीकाकरण में उत्तर प्रदेश ने पहले दिन 6,90,000 वैक्सीनेशन दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तैयारी है कि जून में यही रफ्तार बनाते हुए 1 करोड़ को पार करना है। हम मौजूद हैं इंदिरा नगर के एक CHC केंद्र पे जहां देख सकते हैं लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और यहां पर 18 और 44 से लेकर के 45 प्लस सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई में प्रतिदिन औसत 10 से 12 लाख टीकाकरण के साथ में 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे क्लस्टर बना करके सरकार इस कवायद में है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को बढ़ाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता माना है। हरियाणा में सोमवार को 6,00,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 3,700 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा वैक्सीन गुरुग्राम में लगाई गई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहले दिन सिर्फ 90,503 लोगों को वैक्सीन दी गई है। हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार लगातार ये आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार से वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है, और अगर पंजाब के साथ हरियाणा की कंपैरिजन करें, हरियाणा की तुलना करें, तो हरियाणा में पहले दिन 6,00,000, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि 6,00,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। टीकाकरण अभियान में फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अपार कामयाबी देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बधाई। वेल डन इंडिया। 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाने का ऐलान किया था। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कह दिया था कि कोरोना के खात्मे के लिए देश कमर कस चुका है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी की अपील का असर हुआ। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए घरों से बाहर निकले। क्या शहर, क्या गांव और क्या कस्बे, हर जगह वैक्सीन लगवाने के लिए कतारें लग गई। देखते ही देखते एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केंद्र सरकार खुश है कि 21 जून का टीकाकरण महाअभियान का पहला दिन सुपरहिट रहा, लेकिन विपक्ष को सरकार की यह खुशी रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र को कोरोना की तीसरी लहर के लिए आगाह करते हुए नसीहतें दे रहे हैं। वहीं दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें टीके के स्टॉक पर सवाल उठा रही हैं। हिंदुस्तान ने एक दिन में कोरोना के 86,00,000 से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया तो जरूर,
लेकिन ये अभियान भी सियासत से बच नहीं सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी कर दिया। राहुल गांधी के श्वेत पत्र में मुख्य रूप से केंद्र सरकार को चार नसीहतें दी गई हैं। पहली ये कि सरकार ये पता लगाए कि कमी कहां रह गई। दूसरी बात ये कि तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड्स की तैयारी हो। तीसरी बात ये कि छोटे व्यापारियों की मदद करे सरकार। और चौथी नसीहत ये दी गई है कि सरकार कोरोना फंड बनाए और जिनके घर मौत हुई है उनकी मदद की जाए। थर्ड वेव आने जा रही है, वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। देश में एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड बना, राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की, लेकिन लगे हाथ उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों से भेदभाव नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। राहुल को जवाब बीजेपी से पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिया। हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है, बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे, थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी, तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं और अब बीजेपी उन्हें निजी तौर पर घेरने में लगी है। पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी हमें बताएं कि क्या उन्होंने खुद को टीका लगवाया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा टीके के प्रति झिझक को बढ़ावा दिया है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? दिल्ली में भी टीकाकरण को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को कम डोज देने की शिकायत कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उसके पास सिर्फ 3 दिनों का स्टॉक है। एक दिन पहले 692 डोज और अगले ही दिन 1,695,000 डोज। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। इस राज्य ने एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, कई और राज्यों के पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखने पर सवाल उठ रहा है कि महाअभियान को इवेंट बनाने के लिए कहीं पहले टीकाकरण की रफ्तार सुस्त तो नहीं कर दी गई थी। टीकाकरण के महाअभियान में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना तो सबसे ज्यादा टीका लगवाने वाला जिला बना इंदौर। पहले आंकड़े देख लीजिए। 21 जून को मध्य प्रदेश में 1,695,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये संख्या भूटान, बहरीन, मॉरिशस जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देश भर में सबसे ज्यादा 2,12,086 लोगों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण महाअभियान में प्रदेश को नंबर 1 का खिताब हासिल होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गदगद हैं।
अब सवाल यह है कि क्या यूं ही मध्य प्रदेश ने टीकाकरण अभियान में नंबर वन का खिताब ले लिया या इसमें कोई गोलमाल है। अब जरा आंकड़े देख लीजिए। 17 जून को मध्य प्रदेश में 1,24,000 लोगों को टीके लगे, जबकि 18 जून को सिर्फ 15,000 लोगों को टीके लगे। 19 जून को सिर्फ 22,000 लोगों को टीके लगाए गए। 20 जून को प्रदेश में टीके की सिर्फ 692 डोज दी गई। अचानक ही 21 जून को महाअभियान वाले दिन 16,95,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। सवाल यह है कि क्या महाअभियान वाले दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए कहीं हफ्ते भर से वैक्सीनेशन अभियान जानबूझकर सुस्त तो नहीं किया गया था। गोलमाल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, ये आंकड़े जरा देख लीजिए। कर्नाटक में 20 जून को वैक्सीन की 68,000 डोज दी गई, जबकि 21 जून को 11,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बिहार में 20 जून को 1,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 21 जून को 5,31,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा में 20 जून को 38,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 21 जून को ये तादाद 4,97,000 हो गई। तो क्या इन राज्य सरकारों का ध्यान टीकाकरण से ज्यादा 21 जून के महाअभियान को इवेंट बनाने पर था? आंकड़ों पर नजर डालने के बाद ये सवाल तो बनता ही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो सरकारों ने वाहवाही लूटने के लिए ये गोलमाल किया है, ये भी सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है इन आंकड़ों के जरिए। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। प्रमोशन